नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा BEd, BA BEd एवं BSc BEd एग्ज़ाम फॉर्म 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम BEd पार्ट फर्स्ट एग्ज़ाम फॉर्म 2021 को किस प्रकार फिल किया जा सकता है के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के संदर्भ में। इम्पोर्टेंट डेट्स के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें नोटिफिकेशन फॉर मेन एग्ज़ाम फॉर्म्स BEd, LLM एंड LLB सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें तो 28 फरवरी 2021 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अंतिम तिथि 7 मार्च 2021 रखी गई है। ₹100 लेट फीस के साथ में हम 8 मार्च 2021 से 11 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पाठ्यक्रमों के संदर्भ में हम जानकारी यहाँ ले सकते हैं। BA BEd पार्ट फर्स्ट से फोर्थ, BSc BEd पार्ट फर्स्ट टू फोर्थ, BEd पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, फिल एग्ज़ाम फॉर्म 2021 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। फिल एप्लीकेशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट पार्ट फर्स्ट PG प्रीवियस दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सेलेक्ट अंडर ग्रेजुएट PG प्रोफेशनल सेमेस्टर, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लास या फैकल्टी टाइप BEd को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट क्लास फॉर एग्ज़ाम फॉर्म BEd पार्ट फर्स्ट, BA BEd पार्ट फर्स्ट, BSc BEd पार्ट फर्स्ट, BEd पार्ट फर्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कॉलेज, यहाँ से हमें कॉलेज को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात सेलेक्ट बैंक, बैंक को सेलेक्ट करेंगे। जिन छात्रों के आवेदन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने पर अथवा जनरल डिटेल से भी नहीं खुल रहे हैं, वे छात्र अपने महाविद्यालय से संपर्क करें। न्यू स्टूडेंट एग्ज़ाम 2021 पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर, दिए गए बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप दिए गए बॉक्स में नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं, प्रोसीड पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निम्न विद्यार्थी का जो रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर है वो हमें प्राप्त हो चुकी है। इसके पश्चात हमें बैक होना होगा। बैक होने के पश्चात हमें वापस से एंट्रीज कंप्लीट करनी होगी। कॉलेज का नाम फिल करना होगा। सेलेक्ट बैंक, न्यू स्टूडेंट एग्ज़ाम 2021, एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें स्टूडेंट का नाम लिखना होगा, आवेदक का नाम लिखना होगा, हिंदी में मनोज कुमार लिखेंगे और इसके पश्चात यहाँ पर टाइप होता हुआ जाएगा। पिता का नाम हम लिखेंगे और इसके पश्चात हिंदी में नाम लिखा जाएगा। माता का नाम हिंदी में लिखेंगे, इसके पश्चात हमें
जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी होगी एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल एंड माइनॉरिटी, जिसे आप लिंक करते हैं उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मीडियम का सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पेपर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश को यहाँ सेलेक्ट कर सकेंगे। फिजिकल हैंडीकैप्ड, नॉन ऑर्थो, ब्लाइंड, डीफ एंड डम, डीफ डम एंड अदर्स, अगर आप इनसे संबंधित हैं तो क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नॉन रखें। यहाँ से हमें डी ओ बी सेलेक्ट करनी होगी, जिसमें डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात स्टेटस यहाँ रेगुलर के रूप में दिखाया गया है। आर यू वार्ड ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यदि है तो यहाँ पर क्लिक करके हम यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर हमें फिल करना होगा। इसके पश्चात पोस्टल एड्रेस फिल करेंगे। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस जिले में आप निवास करते हैं राजस्थान के, उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे। इसके पश्चात हमें आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है यहाँ से ईयर और यहाँ इनरोलमेंट नंबर हम फिल करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो करना होगा। कॉलेज द एग्ज़ाम फॉर्म, पीटीटी रोल नंबर हम यहाँ फिल करेंगे, रोल नंबर, डिटेल ऑफ लास्ट एग्ज़ाम अपीयर इन दिस यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, क्लास एंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात हमें ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ऑप्शनल सब्जेक्ट, पासिंग ईयर और सेलेक्ट रिजल्ट, यहाँ हमें सेलेक्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पास, फेल एंड ईएफपीएस। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, यूओआर जयपुर, अगर अदर यूनिवर्सिटी हैं तो आप इन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें डिटेल सब्जेक्ट ऑफर्ड, कोड नेम एंड कंपलसरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को हमें फिल करना होगा, सभी सब्जेक्ट कैसे हैं, कंपलसरी हैं, तो हम यहाँ सब पर क्लिक करना होगा। पेपर एनी वन चूज सब्जेक्ट, हमें यहाँ से कोई एक पेपर का सिलेक्शन करना होगा अपने जो सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार। इसके पश्चात हमें, अगर आप आर्ट से संबंधित तो आर्ट से, कॉमर्स से संबंधित है तो कॉमर्स, साइंस से संबंधित है तो साइंस के जो पेपर्स हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात नीचे भी यहाँ पर रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ टेक्स्टस, तो यहाँ हमें कंपलसरी है तो सभी पर हमें क्लिक करना होगा। इसके पश्चात हमें विद्यार्थी का फोटो और विद्यार्थी के हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। जेपीजी फॉर्म में जीआईएफ एंड बीएनपी फॉर्मेट में हम अपनी जो फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ जो मैक्सिमम जो फाइल है, फाइल साइज की अगर हम बात करें तो लेस देन 100 KB, यानी 100 KB से कम होना चाहिए। इसी तरह से हम यहाँ पर भी पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो है वो यहाँ अपलोड कर सकेंगे। अपलोड करने के पश्चात हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस। इस प्रकार हमें यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बीएड पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2021 रेगुलर पेमेंट इनवॉइस, यहाँ हमें फॉर्म नंबर, फी डिटेल के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमें जो कितनी फीस है वो जमा करानी होगी। इसके पश्चात जर्नल डिटेल्स हमें मिल जाएगी, रोल नंबर, सब्जेक्ट ऑफर्ड, एग्जामिनेशन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। फ़ोटो हमने अपलोड की है वो फ़ोटो हमें यहाँ पर इस प्रकार दिखाई देगी। इसके पश्चात हमें मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मेक पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। पेमेंट मोड, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट,
ग्रेवियंस फी, जीएसटी, टोटल बिल अमाउंट, इसके पश्चात मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। हमें नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से और क्रेडिट के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। दिए गए बॉक्स में मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, पेयर नेम फिल करेंगे और इसके पश्चात प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन फॉर्म को आसानी से फिल कर सकेंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। रीप्रिंट फॉर्म दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एंटर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फिल करेंगे और इसके पश्चात DOB सेलेक्ट करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट हम आसानी से ले सकेंगे। चेक चालान स्टेटस पेमेंट दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एंटर एप्लीकेशन नंबर, चालान नंबर एंड रेफरेंस नंबर फिल करने के पश्चात चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस आसानी से चेक कर सकेंगे। फॉरगॉट फॉर्म नंबर या पेमेंट स्टेटस दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल सेमेस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात क्लास फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। क्लास को हम यहां सेलेक्ट कर सकेंगे। इसके पश्चात एंटर नेम फिल करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे, DOB सेलेक्ट करेंगे जिसमें डे मंथ और ईयर, ईयर मंथ और डे। प्रोसीड पर क्लिक करके हम आसानी से जो फॉरगॉट फॉर्म नंबर है या पेमेंट स्टेटस आसानी से चेक कर सकेंगे। तो इस प्रकार हम एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से भर सकेंगे। आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। इसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।